एक बात और मैंने अधिकतर अनुभव की है कि लगभग कुछ किसान तो अपना स्वयं का दिमाग चलाना उचित अक्सर ही नहीं देखा समझता होता है है कि पढ़ा लिखा युवा खेती किसान में करना दवाई ही का ना ही स्प्रे चाहता किया, है। तो पड़ोस वाले ने देखा और अपने खेत पर भी स्प्रे करवा दिया। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और दर्शकों हमारे साथ में किसान भाई हैं जो कि कन्हैयालाल जी धाकड़ नगरी गांव के निवासी हैं, जिला मंदसौर उनका लगता है। और पिछले 13 सालों से सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से खेती कर रहे हैं। खेती में जो उनका आज तक का अनुभव रहा है, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो उतार चढ़ाव अप एंड डाउन उन्होंने देखे हैं, जो उनको लगा है कि किसान भाई कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं, नवयुवा किसानों से भी उनका कुछ कहना है, पूरी जानकारी जो है वो आपको देंगे, जो उनका अनुभव है वो साझा करेंगे आपके साथ में। बहुत अच्छी जानकारी है दर्शकों, वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे देश के किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे सभी देश के जितने भी किसान भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और वे जो है, जो इन्होंने अनुभव साझा किया है, काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इससे जो है किसान भाई मोटिवेट होंगे और आगे जो है अपनी खेती को ढंग से अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करेंगे। और खेती में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो जो है आपको बताया गया है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं कन्हैयालाल जी धाकड़ को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कन्हैयालाल धाकड़, गांव नगरी, जिला मंदसौर। आज जो मैं आज तक के जो जीवन की जो अनुभव है, 13 साल से मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ, इसके अनुभव है, इसके आधार पर मैं आपके बीच में जो अनुभव और जानकारियाँ प्रेषित करना चाहता हूँ। ये मैंने स्पीच 15 अगस्त पर बोलने के लिए तैयार करी थी, लेकिन आज कुछ कारणवश मैं बोल नहीं पाया, तो आज मनीष भैया के द्वारा, चैनल के द्वारा आपके बीच में रख रहा हूँ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। सर्वप्रथम माता पिता गुरु और इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने आज तक के जीवन के जो अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर कुछ जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वास्तव में अनुभव ही हमारा गुरु है, क्योंकि जो ज्ञान हमें अनुभवों से मिलता है वो जीवन में किसी से नहीं मिल सकता है। और अनुभव में व्यक्ति कभी भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान और अनुभव में परिपूर्णता नहीं होती है। ये दोनों चीज़ें जहाँ परिपूर्ण होगी, वहाँ या तो परम पिता परमात्मा होंगे या फिर हमारा अहंकार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हमारी खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, जबकि वास्तव में खेती लाभ का धंधा ही है। और अगर लाभ का धंधा न भी हो तो भी ये हमारे और हमारे देश के लिए अति आवश्यक है। इसका अनुभव हमने कोरोना काल में किया है, क्योंकि उस समय व्यक्ति केवल और केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दौड़ा था। हमें जिसकी प्रथम आवश्यकता है, उसका अनुभव हमें कोरोना काल में हुआ है, और वो है रक्षण और पोषण। उस समय रक्षा करने के लिए हमारे चिकित्सकों का भी अधिक योगदान रहा, और हमारी रक्षा देश पर सेना के जवान भी करते हैं, और पोषण देश का किसान। इसलिए हम भारत माता की जय के पश्चात दूसरा नारा बोलते हैं, जय जवान और जय किसान। एक किसान अपने परिवार का पोषण करने के साथ साथ पूरे परिवार का पोषण करता है। सारी अर्थव्यवस्था किसान के पीछे है, फिर भी आज व्यक्ति खेती को छोड़कर नौकरी करना चाहता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के समय में मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि आज की जो युवा पीढ़ी और किसान है, वो खेती को छोड़ करके नौकरी के पीछे अधिक रहते हैं, जबकि खेती भी लाभ का धंधा ही है। कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी बढ़ने का भी एक कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 बीघा जमीन में उन्नत खेती करेगा, तो वो लगभग 5 से 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा सकता है साल भर के लिए। या फिर अक्सर देखा जाता है कि पढ़ा लिखा युवा खेती करना ही नहीं चाहता है, फिर पढ़ लिख कर वह खेती करने में हिचकिचाता है। पुराने समय में कंपटीशन कम होने के कारण नौकरियां भी आसानी से मिल जाती थी, फिर भी नौकरी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। मेरे पिताजी ने भी उस समय आज से लगभग 50 वर्ष पहले बीए कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं की। क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में मैंने देखा है कि पर्याप्त जमीन होते हुए भी व्यक्ति नौकरी के पीछे दौड़ते दौड़ते लगभग अपना आधा जीवन निकाल देता है, और फिर वह खेती करने में हिचकिचाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेती भी आजकल बिना पढ़े लिखे लोगों के बस से बाहर निकलती जा रही है। आज खेती करने के लिए भी शिक्षित होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज के इस आधुनिकता के युग में बहुत ज़्यादा केमिकल
केमिकलों के प्रयोग से खेती में साइड इफेक्ट के रूप में चुनौतियां बढ़ती जा रही है। बिना दवाई या केमिकल के फसल पैदा करना एक प्रकार की चुनौती हो गई है, और बिना दवाई और केमिकल के फसल की क्वालिटी नहीं बनती है। और जितना केमिकल हम कीटों फफूंदीनाशक वायरस के लिए डालते हैं, वह एक निश्चित सीमा में सुरक्षा प्रदान करने के बाद साइड इफेक्ट के रूप में उससे अधिक पावरफुल कीट फफूंद या वायरस हमें देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये डालना ही है क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। एकदम से हम इन केमिकल पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों को नकार भी नहीं सकते। आज बाजार में जाए तो कीटनाशक फफूंदीनाशक प्रतिजैविक एवं टॉनिक के रूप में भरमार है, और अगर पढ़ा लिखा युवा बाजार में जाएगा तो वह दवाई लाएगा तो वह बहुत सारे होने वाले साइड इफेक्ट या नुकसान से बच सकता है। और बिना पढ़ा किसान अगर बाजार में जाएगा तो वह बहुत से नुकसान का उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसे उस दवाई का जो केमिकल कंटेंट है उसका नाम भी वो पढ़ नहीं सकता है, तो फिर वह गलती से कोई नुकसान भी कर सकता है। अब मैं आपको मेरे स्वयं का बताऊं तो मैंने पिछले वर्ष कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हालांकि मैं प्रतिवर्ष यह कार्य करता हूं, पर पिछले वर्ष मैंने कुछ अधिक किया। मैंने एक छोटे से लहसुन के प्लाट पर पूर्ण रासायनिक एवं केमिकल का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि कभी कभी हम दुविधा में फंस जाते हैं कि कौन सा डालें। अनेक कंपनियां हैं और अनेक प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, तो ज्ञान के अभाव एवं देखा देखी के चक्कर में जो चीज़ हमारी जमीन एवं फसल के लिए आवश्यक नहीं है वह भी हम डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा खर्च कई गुना बढ़ने लगा है। इसी कारण मैंने एक बीघा प्लाट में कुछ कैरियों को छोड़कर सभी कंपनियों जो मुख्य मुख्य कंपनियां हैं उनके जो मुख्य प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करने को लेकर या टॉनिक के नाम से, उनका प्रयोग मैंने प्रत्येक एक दो कैरी में किया था, जिसमें लगभग 15,000 से 20,000 रुपये का खर्च भी हुआ। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पैसा हमसे प्रत्येक वर्ष नहीं बिगड़े और हमारा खर्च प्रत्येक वर्ष नहीं बढ़े। इसी प्रकार अगर हम मिट्टी के बिना जांच करवाए बहुत सारे केमिकल एवं फर्टिलाइजर डालकर फसल लेते रहते हैं, तब जिस प्रकार अनियमित खान पान के कारण हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता घटता रहता है, इस प्रकार से हमारी जो जमीन है उसमें भी लगातार रासायनिक खाद पेस्टिसाइड और ये अधिक देने से उसका भी पीएच ऊपर नीचे होने लगता है, तब पौधा मिट्टी में से पोषक तत्व होते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाता, और वह यह सब होता है लगातार अधिक पेस्टिसाइड और रासायनिक फर्टिलाइजर उपयोग करने से। इसलिए हमें रासायनिक को थोड़ा कम करके उसके बदले जैविक या देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी में अपने आप सुधार आने लगता है। और अब मैं बात करता हूँ हमारे क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने वाली फसल लहसुन के बारे में। तो ये एक ऐसी फसल है जो कई खेतों में तो होती ही नहीं है। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण, या तो वो पौधा मिट्टी में से उपलब्ध पोषक तत्व तक पहुंचकर उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता, या फिर दूसरा कारण होता है पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो उस मिट्टी में समाप्त हो चुके होते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व है इसी कारण हम जो है फसल चक्रण करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व है वह लगातार अपडेट होते रहें, क्योंकि सभी फसलें अलग अलग पोषक तत्व मिट्टी से खींचती है। जिस प्रकार से आयुर्वेद कहता है कि अन्न दालें तिलहन हरी सब्जियां फल इत्यादि खाने से हमारे शरीर में सभी अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति जो होती है वो आते कहाँ से, वो सभी जो फसलें होती है वो जमीन में से ही खींचती है, सभी अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन में से खींचते हैं। और हम कहते हैं कि लहसुन में बहुत ही अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें गुण होते हैं, ऐसा होता है, बहुत अधिक तत्व होते हैं और बहुत गुणकारी होती है लहसुन, लेकिन वो गुण आते कहाँ से हैं, वो जमीन में से ही लहसुन खींचती है। तो और हम लगातार उसी जगह लहसुन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पोषक तत्व तो कम पड़ना ही है। जिस प्रकार से किसी घड़े में लगातार एक बूंद गिर रही है और लगातार एक साथ लोटा भरकर निकालेंगे तो वो घड़ा लगातार हम भरेंगे तो वो घड़ा खाली होना ही है, लेकिन कुछ देर रुक रुक के हम लोटा भरेंगे तो बूंद भी गिर रही है तो वो कुछ लंबे समय तक चलेगी और अपडेट होती रहेगी, किंतु हमें किसी वर्ष थोड़ा अच्छा मुनाफा मिल जाए तो हमारा लालच बढ़ जाता है और हम एकदम से एरिया बढ़ा देते हैं, और एरिया बढ़ाने के चक्कर में हम क्वालिटी नहीं बना पाते और फिर वहीं आ जाते हैं जहां से हम चले थे। इसलिए क्वालिटी बनाने का फायदा यह है कि ये प्याज और लहसुन खेती में एक प्रकार का सट्टा है, जिससे किसान डूबता भी है और तैरता भी है, लेकिन क्वालिटी बनाने वाला किसान कितना भी गलत साल हो फिर भी अपना मूलधन बचाकर रख सकता है या फिर पैसे कमा सकता है। एक बात और मैंने अधिकतर अनुभव की है कि लगभग कुछ किसान तो अपना स्वयं का दिमाग चलाना उचित ही नहीं समझते,
वे तो अपने आस पड़ोस में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए कार्य करते रहते हैं। जैसे एक किसान ने दवाई का स्प्रे किया तो पड़ोस वाले ने देखा और अपने खेत पर भी स्प्रे करवा दिया। पड़ोस वाले ने अपनी फसल में जाकर देखा, देखना भी उचित नहीं समझा कि अपनी फसल में कोई समस्या है भी या नहीं। कुछ खर्च तो हमारे यूं ही बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि पड़ोसी के खेत में जो कीट की समस्या है वो हमारे खेत पर भी हो। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक या किसी अन्य जगह से नहीं आए होते हैं, वो अपने ही खेत की मिट्टी या फसल के अनुसार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें फसल की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते रहना चाहिए। फसल में जाकर के देखते रहना चाहिए कि हमारे फसल को किसकी समस्या है और क्या हमको करना है। जैसे हमारी फसल की प्रथम और अंतिम यही बात है कि फसल को दो चीज़ चाहिए, एक तो रक्षण और पोषण। रक्षण ये है कि हमको इसकी सुरक्षा करना है। सुरक्षा कैसे करना है? एक तो कीटों के द्वारा सुरक्षा हो गई, जो भी कीट हो गए, फफूंद हो गया, प्रतिजैविक है, इनकी इसकी रक्षा करना है इन चीज़ों से। और इसको जो चाहिए खाने के लिए वो देना है, वो पोषण होता है, जिसका हम टानिक कहते हैं। टानिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, वो इसको खाने के लिए चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये इसकी रक्षा के लिए है। ये आसपास आपने ये देख रहे होंगे, ये मतलब जंगली जानवर, ये भी रक्षण ही एक प्रकार का। ये घोड़ा जो नील गाय वगैरह से, ये भी एक रक्षण की गिनती में आता है। तो ये रक्षा करना है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश की रक्षा और सुरक्षा ये होती है, इस प्रकार से इस फसल की रक्षा और सुरक्षा हमको समय समय पर करना है। जिसको जो इसको चाहिए पेट भरना है और इसकी रक्षा हमको करना है। और अंत में हम मानते हैं कि खेती एक प्राकृतिक और एक किसान का जीवन जो होता है लगभग पूरी प्रकृति के ऊपर आधारित होता है, लेकिन किसान फिर भी हिम्मत नहीं हारता और हारना भी नहीं चाहिए। और अंत में मैं अपने इस भारत देश के युवा किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि अपनी मेहनत और लगन से खेती को उन्नतशील बनाएं और अपने देश प्रदेश का नाम दुनिया में नई पहचान बनाएं। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।